Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. फ्रेंड्स, दो दिन मैं वीडियो नहीं बनाया, कुछ प्रॉब्लम था मेरे गांव में, कुछ कार्यक्रम था जिसकी वजह से मैं नहीं बना पाया वीडियो। लेकिन आज आया हूं फ्रेंड्स आपके साथ में, आज हिंदी का कुछ टॉपिक लेके आया हूं। टाइटल में आपने देख ही लिया होगा कि क्या पढ़ना है आज हमको। तो वैसे टॉपिक है फ्रेंड्स जो खोटा में पूछे जाते हैं और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में हिंदी से रिलेटेड उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि मुझे आपको ये अच्छा लगेगा। आप पूरे वीडियो देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए और नोट भी कर लीजिए, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। और सबसे पहले हम जानते हैं वर्ण, ध्वनि या साउंड इसको बोलते हैं। सबसे पहले हम वर्ण की परिभाषा को जान लेते हैं। तो वर्ण की परिभाषा आप भी जानते होंगे कि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है उसे वर्ण कहते हैं। जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, अगर आप उसको टुकड़ा कीजिएगा तो कोई मतलब नहीं बनने जा रहा है, कुछ नहीं बनने जा रहा है। तो सिंपल सी परिभाषा है कि जिसका खंड या तो टुकड़ा नहीं किया जा सकता उसे वर्ण कहते हैं। अब ये फ्रेंड्स वर्ण है कितने प्रकार के, तो सिंपल सी बात है ये दो प्रकार के हैं। आपको सिंपल लगेगा लेकिन मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, आपको मैं हाई लेवल तक ले जाऊंगा इस वीडियो में। तो वर्ण जो है दो प्रकार के हैं। पहले है स्वर वर्ण और दूसरे में है व्यंजन वर्ण। बड़ा बड़ा लिखता हूं फ्रेंड्स क्योंकि बहुत शिकायत आती है कि आपका वीडियो दिखता नहीं है। तो एक वीडियो में बना दूंगा, क्वालिटी आप बढ़ा लीजिएगा वीडियो का तो आपको दिख जाएगा। तो फिलहाल हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण फ्रेंड्स किसे कहते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, जिस वर्ण को बोलने में किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं है, स्वर वर्ण उसे कहते हैं। ये जो है फ्रेंड्स स्वर वर्ण कितने प्रकार के हैं, तो ये भी दो प्रकार के हैं। मूल स्वर, मूल या हस्व स्वर, दूसरा हो गया दीर्घ स्वर। मूल या हस्व स्वर है और दूसरे में दीर्घ स्वर है। मूल या हस्व स्वर में फ्रेंड्स क्या आता है, य, हर्षही, हर्षहु और री, ये चार आते हैं मूल या हस्व स्वर में। क्वेश्चन हमेशा आता है फ्रेंड्स, इसको केयरफुली नोट कीजिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा मूल स्वर या हस्व स्वर नहीं है, तो आपको इसमें से कंफ्यूज करेगा, तो इसको नोट कर लीजिएगा। दीर्घ स्वर में फ्रेंड्स क्या क्या आते हैं, या, दीर्घही, दीर्घहु, ए, ऐ, ओ और औ, तीन, छह, सात, ये आ गया आपको मूल स्वर। ये हो गया आपको दीर्घ स्वर। मूल स्वर किसे कहते हैं, जिस वर्ण में उच्चारण में समय कम लगता हो उसे मूल स्वर कहते हैं और जिस वर्ण के उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। या, दीर्घही, दीर्घहु, ए, ऐ, ओ, औ, ये सात हैं और ये चार हैं, यानी कि स्वर वर्ण टोटल कितने हैं, ग्यारह। कितने हैं, ग्यारह। तो ग्यारह में चार और सात, इस तरह से याद रखेंगे, चार हस्व स्वर है और या तो मूल स्वर कहिए या फिर सात जो है दीर्घ स्वर है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि हिंदी में वर्णों की संख्या फोर्टी सिक्स यानी छियालीस है, ठीक है। हिंदी में वर्णों की संख्या छियालीस है। बहुत सारी किताबों में दोस्तों को बावन मिलेगा, छप्पन मिलेगा, है ना, वगैरह वगैरह मिलेगा। राइटर के अलग अलग जो बुक होते हैं उसमें अलग अलग तरह से, लेकिन ये मूल है। हिंदी में वर्णों की संख्या छियालीस है, ये मूल छियालीस है और एक तरह से ये सही है। आप अगर इससे अधिक है तो आप प्रयास कीजिए कि इसको आप कर लीजिए, छियालीस ही है हिंदी में वर्णों की संख्या, कुल संख्या छियालीस है। कैसे कैसे छियालीस है मैं बात करता हूं, तो ये हो गया तैतीस, तैतीस हो गया ना। स्वर वर्ण हमारे ग्यारह हो गए, व्यंजन वर्ण तैतीस हो गए हैं और दो है आयोगवाह। मैं बताता हूं यहां पर आयोगवाह किसको बोलते हैं, आयोगवाह फ्रेंड्स, आयोगवाह कौन कौन है ना, अनुस्वार, अनुस्वर, अनुस्वार और विसर्ग,
ये दो आयोगवाह है, इन दोनों को वर्ण में शामिल किया जाता है। और ये अनुस्वार विसर्ग फ्रेंड्स है, ये कभी कभी आपको स्वर में भी रहता है, जैसे स्वर में अंग हो गया, आह हो गया, है ना। अब व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन में कम हो गया, क हो गया, तो ये दोनों तरफ चलता है आपको, इधर भी और इधर भी, कभी स्वर में भी उपयोग होता है और व्यंजन में भी उपयोग होता है, दोनों जगह उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको आयोगवाह बोलते हैं। तो इसको ऐड किया गया आपको वर्णों में, तो इसकी संख्या कितनी होगी, टोटल 46 यानी कि 46 हो गया ना, यहां तक दिक्कत नहीं है। अब स्वर वर्ण समझ लिए हम लोग कि मूल स्वर कितने हैं, य हर्षई हर्षव री, ये चार है, अब दीर्घ स्वर कितने हैं तो सात है, यहां तक समझ गए हम लोग। अब हम व्यंजन की बात करते हैं कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा समझ लीजिए कि जो बिना किसी वर्ण की सहायता से ना बोला जाए, यानी कि स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाता है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसका उच्चारण रुक रुक के होता है, इसकी मात्रा यह मात्रा में आधा होता है ना, तो व्यंजन वर्ण की यह परिभाषा। अब हम बात करते हैं इसके प्रकारों की बात करते हैं, तो ये तीन प्रकार का है व्यंजन वर्ण, कितने प्रकार के है, तीन प्रकार के है। पहले मैं आ गया आपको स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन कौन कौन है, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, जैसे मूर्धा है ना, तालु, कंठ, ओष्ठ, ये सब जो बोले जाते हैं, ये सब से जो बोले जाते हैं उसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजन हो गया, दूसरे में हो गया आपको अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। इसमें य र ल व है ना, ये चार आते हैं, य र ल व, अंतस्थ में कितने आते हैं, चार आते हैं। और तीसरा हो गया फ्रेंड्स उष्म व्यंजन, ये आपको मूर्धन स, सॉरी तालव्य स, मूर्धन स, दम स और ह, ये चार इसमें आते हैं। ये व्यंजन है स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। क्वेश्चन रहता है कि निम्नलिखित में कौन अंतस्थ व्यंजन है ना, कौन उष्म व्यंजन है, तो आप समझ लीजिए यहां पर। और स्पर्श व्यंजन जो है फ्रेंड्स ये 25 है, कवर्ग से लेके पवर्ग तक, कवर्ग से लेके पवर्ग तक, ठीक है, ये आपको स्पर्श व्यंजन है। तो स्पर्श व्यंजन सीधे समझ लीजिए आपकी क ख ग घ ङ से लेके प फ ब भ म तक जो है, जो वर्ण है उसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो ये स्पर्श व्यंजन समझ लीजिए, व्यंजन तीन प्रकार के, स्पर्श व्यंजन कौन कौन आते हैं, जिनको उच्चारण में जैसे तालु, मूर्धा, कंठ, ओष्ठ है ना, तो ये सब जो उच्चारण में जहां से आवाजें निकलती है, हमारे मुंह से जो आवाज निकलती है कहां से निकलती है, तो उसका स्पर्श बोलते हैं, स्पर्श करते हुए जो वर्ण आवाज निकाल के जो उसका उच्चारण होता है, तो स्पर्श व्यंजन समझ लीजिए। अंतस्थ व्यंजन में हो गया य र ल व, ये चार हो गए, और उष्म व्यंजन में तलप स, मूर्धन स, दंस और ह। यहां तक हम समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना यहां तक, क्या समझ गए कि वर्ण कितने प्रकार के हैं, तो दो प्रकार के, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण की संख्या 11 है, अब स्वर वर्ण भी दो प्रकार के हैं, मूल या हस्व कहेंगे और दीर्घ, दीर्घ स्वर। मूल में क्या क्या आता है, य हर्षई हर्षव और री, और दीर्घ में क्या आता है, या दीर्घई दीर्घहु ए ऐ ओ औ। यहां तक समझ गए हम लोग। अब बात करते हैं व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण में फ्रेंड्स संख्या इसकी 33 है, और पहले में ये तीन प्रकार का है, पहले में स्पर्श व्यंजन, ठीक है, स्पर्श व्यंजन। इसका मैं एक ट्रिक बताता हूँ, स्पर्श व्यंजन का कौन से वर्ण कहाँ से उच्चारित होता है, इसका मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको, उस ट्रिक को लिखिएगा, लास्ट में बता दूंगा। तो दूसरे में है अंतस्थ, अंतस्थ में चार आते हैं, यार सॉरी ये यानी हुआ अंतस्या, अंतस्या र ल व, ये चार आते हैं। और उष्म व्यंजन में तलब स, मूर्धन स, दंस और ह, ये चार आते हैं। तो अंतस्थ में चार हो गए, उसमें चार हो गए, और ये स्पर्श व्यंजन जो आपको उच्चारण जहां से मुख से होता है वो हो गया। तो एक तरह से हम समझ गए यहां तक कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण और इसके प्रकारों को भी समझ गए, यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से
वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन, यहीं से क्वेश्चन आता है आपको एग्जामों में। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से, जो हमारे मुख से हवा निकलता है उसकी दृष्टि से या वर्ण के कितने भेद हैं, तो वायु प्रक्षेप की दृष्टि से फ्रेंड्स दो भेद हैं। पहले में आपको अल्प प्राण की बात करते हैं, पहले में हम बात करते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण में क्या होता है फ्रेंड्स कि वायु की मात्रा, हमारे मुख से वायु की मात्रा कम निकलती है और एक तरह से हकार जैसी जो भावना होती है उच्चारित होता है, हकार जैसा आवाज जो निकलता है वो कम निकलता है, तो उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। अल्प मतलब हो गया कम, है ना, तो वायु की मात्रा कम होती है। सिंपल से समझिए कि वायु की मात्रा कम निकलती है उसको हम अल्प प्राण कहते हैं। और इसमें कौन कौन आते हैं वो देख लीजिए, सभी स्वर वर्ण, वर्णों के प्रथम तृतीय और पंचम, फिर हो गया आपको अंतस्थ और अनुस्वार। अल्पप्राण जहां जिस वर्ण के उच्चारण में वायु की मात्रा कम निकलती हो, हकार जैसा आवाज कम हो, उसको अल्पप्राण कहते हैं। तो इसमें कौन कौन आते हैं यही क्वेश्चन रहता है फ्रेंड्स कि सभी स्वर वर्ण, वर्णों के प्रथम तृतीय और पंचम, अंतस्थ और अनुस्वार। इसको देख लीजिए, सभी स्वर वर्ण कितने स्वर वर्ण हो गए, 11। वर्णों के प्रथम तृतीय और पंचम, देखिए वर्णों के प्रथम तृतीय पंचम किसको कहते हैं, क ख ग घ अंग, ये हो गया। तो ये कितना तक है, तो प फ तक है, प फ ब भ म, यहां तक आपको आ गया। ये पांच पांच वाले आ गए, तो इसी में से आपको पांच पांच वाले में से आपको प्रथम तृतीय पंचम जो भी कहेगा इसी में से कहेगा। तो यहां से यहां तक करा प्रथम तृतीय और पंचम, प्रथम ये हो गया, तृतीय हो गया, पंचम ये हो गया, तो यानी एक जगह से तीन, तो फिर पांच होते हैं ये, तो पांच दिया 15, इसकी संख्या कितनी होगी, 15 हो गए। अंतस्थ कितने थे आपको मैं बताया था, य र ल व, चार। कौन कौन है, य र ल व, चार हो गए। और अनुस्वार एक, बराबर कितने हो गए, 31। इसमें समझ गया ना, अल्प प्राण में कौन कौन आते हैं, सभी स्वरवर्ण, स्वरवर्ण कितने हैं, 11, वो आपने अल्प प्राण में। फिर ये 15 कहां से आ गए, तो वर्णों के प्रथम तृतीय और पंचम, वर्णों के प्रथम तृतीय और पंचम ये हो गए आपको, तो पांच है ये सब, पापा तक है, पापा से लेकर पापा तक, तो पांच दिया 15 हो गए ये। और अंतस्थ में य र ल व, चार हो गए और एक अनुस्वार आ गया, कुल मिलाकर कितने हो गए, 31, 31 हो गया। लेकिन आपको इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि कितने हैं, या तो फिर आपको पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन अल्प प्राण नहीं है, जैसे आपको दे दिया ख, है ना, क, और दे दिया च, फिर आपको दे दिया झ, इसमें से पूछ लिया आपको कि निम्नलिखित में कौन अल्प प्राण नहीं है, तो नहीं है कौन इसमें, तो देखिए यहां पर है प्रथम तृतीय और पंचम। प्रथम तो ये है च, ये भी प्रथम है ना, च छ ज झ, यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन बता गया, यहाँ पर यहाँ कर देते हैं, है ना। तो प्रथम तृतीय और पंचम, प्रथम ये है, प्रथम ये भी है, और ये द्वितीय आ गया और ये पंचम आ गया, तो ये भी हो गया, तो मेरा ये होगा कि ये अंतस्थ व्यंजन नहीं है, सॉरी अल्प प्राण नहीं है, है ना। अल्प प्राण में ये आ गया, ये आ गया, ये भी आ गया, समझ गए ना इसको, क्योंकि यहाँ कहता है प्रथम तृतीय और पंचम, ये प्रथम में आता है, ये भी प्रथम में आता है, ये पंचम में आता है, ये आगे ये द्वितीय में आता है, देख लीजिए यहाँ पर द्वितीय है, द्वितीय पोजिशन इसका है, सेकंड पोजिशन है, तो ये आपको अल्पप्राण में नहीं आएगा। तो इस प्रकार से अल्पप्राण कितने हैं, 31 है,
और कौन कौन है ये आपको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए, नहीं तो आपको यही क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पर अंतस्थ है, अंतस्थ कितने हैं, अंतस्थ यहाँ कितने हैं, तो चार हम बताए थे, यर लव, तो यर लव भी अगर ऑप्शन में रहे तो वो अल्पप्राणी है। फिर अनुस्वार, अनुस्वार भी रहे तो वो अल्पप्राण है, इसके अलावा जो रहे वो नहीं है। ठीक है, यहां तक दिक्कत नहीं है। अब दूसरे में हम समझते हैं, इसका दो दो प्रकार के हैं फ्रेंड्स, ये दूसरे में है बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, महाप्राण। महाप्राण का इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो इसमें हवा कम निकल रही थी, आवाजें जो है हवा की मात्रा कम थी और इसमें हवा की मात्रा अधिक है, हकार जैसी उच्चारण जो है अधिक होता है, तो एक तरह से इसका परिभाषा है कि हवा की मात्रा उच्चारण करने पर अधिक निकलती है, बस सिंपल सी परिभाषा है। इसमें क्या क्या आएगा फ्रेंड्स, वर्णों के द्वितीय, यहां पर जो बच गया प्रथम तृतीय पंचम ने ये उठाया, प्रथम तृतीय पंचम, यहां द्वितीय और चतुर्थ, द्वितीय और चतुर्थ उष्म व्यंजन तथा विसर्ग, ठीक है, इसी का उल्टा कर दीजिए, अल्पप्राण का उल्टा महाप्राण है। यहां पर हवा कम निकलती है, यहां अधिक निकलती है, यहां आकार की भावना कम होती है, यहां अधिक होती है, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें वर्णों का प्रथम तृतीय और पंचम था, प्रथम प्रथम तृतीय और पंचम, तो बच गया क्या, द्वितीय और चतुर्थ, तो द्वितीय चतुर्थ को यहां शामिल कर दिया, और उसमें अंतस्थ लिया उठाया था तो इसमें व्यंजन को उष्म को उठाया, सॉरी इसमें अंतस्थ उठाया तो यहां पर उष्म उठाया, तो चारो भी है चारे भी है, तथा विसर्ग इसमें अनुस्वार लिया तो यहां विसर्ग लिया, इसके आप जोड़ लेते हैं तो दो सॉरी दस हो गया, ये द्वितीय चतुर्थ मिलाकर दस हो गए, क्योंकि ये पांच है, काका से लेकर पापा तक पांच है, तो दो दो सब में है तो पांच दोनों दस हो गई, इसकी संख्या दस हो गए। और उष्म व्यंजन कितने हैं, चार है, ये उष्म व्यंजन चार है ना, तलब समुदन सदन सर हाव, तथा विसर्ग कितने हैं, एक है, इसकी संख्या कितनी हो गई, पंद्रह। समझ गए ना, आपको क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि निम्नलिखित में कौन महाप्राण नहीं है, तो महाप्राण नहीं है कौन नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना होगा, ये चीज याद करना होगा, द्वितीय और चतुर्थ, द्वितीय और चतुर्थ ये चीज आपको याद करना होगा। अगर ये आप पर याद कर लेते हैं तो प्रथम तृतीय और पंचम ये दोनों याद कर लेते हैं, अगर दोनों में से आप कोई भी याद करते हैं, जैसे प्रथम तृतीय और पंचम याद कर लिए, ये अंतस्थ याद कर लिए है ना, तो अनुस्वार इतना अगर याद कर लिए तो नेक्स्ट में जब महाप्राण में जाइएगा तो प्रथम तृतीय चतुर्थ पंचम तो खत्म हो गया, तो बच गया द्वितीय और चतुर्थ, द्वितीय चतुर्थ यहां आ गए, अयंथस्थ यहां आ गया तो यहां उष्म आ गया, यहां अनुस्वार आ गया तो यहां विसर्ग आ गया, ठीक ना। तो इस तरह से ये हमारा दोनों प्रकार है, क्लियर हो गया, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से नोट कर लीजिए और नोट करके इस पर अभ्यास कीजिए, याद भी कर लीजिए। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स एक और, स्वर तंत्री के आधार पर, वर्ण दो प्रकार के, स्वर्ण तंत्र के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के हैं, तो दो प्रकार के हैं, पहला में है घोष, घोष के उच्चारण में स्वर तंत्रियां आपस में मिल जाती है और वायु को धक्का देकर के बाहर निकालती है। इसके अंतर्गत देखिए तृतीय वर्णों के तृतीय चतुर्थ और पंचम, तृतीय चतुर्थ पंचम वर्णों के तृतीय चतुर्थ पंचम अंतस्थ और हाथ, ठीक है, तो तृतीय चतुर्थ और पंचम तो हो गए ये पंद्रह, अंतस्थ कितने चार और ह कितने एक, कितने हो गए बीस, इसकी संख्या कितनी हो गई बीस हो गई, ठीक है। अब पूछा जाए कि तृतीय चतुर्थ पंचम क्या है, ये समझ लीजिए, ये समझ रहे हैं ना आप लोग क्या है, से तृतीय चतुर्थ पंचम
क ख ग घ ङ, ठीक है, च छ ज झ ञ, इस तरह से त थ ट ठ प फ तक है। तो तृतीय चतुर्थ पंचम, तृतीय ये है, चतुर्थी है, पंचम ये है, फिर इसका तृतीय ये है, चतुर्थी है, पंचम ये है, सभी का तीन तीन है ना, तीन छह नौ बारह पंद्रह, तो ये पंद्रह हो गए। अब कौन कौन है वो भी आपको याद करना होगा। आप ये याद कर लोगे ना तो ये सिंपल है, आप आराम से जोड़ सकते हो तृतीय चतुर्थ और पंचम कौन कौन आता है। उसके बाद में अंतस्थ बताया मैं पहले बता चुका हूँ कि चार है और एक ह है ना, ह। तो इस प्रकार से हो गया बीस इसकी संख्या घोष की। अब आगे हम बात करते हैं अघोष की, दूसरे में अघोष, ये इम्पोर्टेंट है, ये दोनों बहुत जरूरी है। अघोष की परिभाषा बताते हैं, अगर बताते हैं परिभाषा इसकी, तो वायु को धक्का देकर के बाहर, वायु आसानी से निकल जाती है, धक्का वक्का नहीं देता है, और धक्का दे रहा था घोष, यहाँ पर धक्का नहीं दे रहा था, आसानी से वायु निकल जाती है, झंकरियां नहीं पैदा करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कौन कौन है, यहाँ पर तृतीय चतुर्थ पंचम हो गया, तो ये प्रथम है और द्वितीय, क्या वर्णों के है ना, वर्णों के प्रथम और द्वितीय, और तीनों स आएगा, तीनों स आएगा, तालब स, मूर्धन स और दंत स, ठीक है। तो ये तीनों स आ गए, तो हो गया दस तीन तेरह, इसकी संख्या कितनी होगी, अगर प्रथम द्वितीय है तो पांच दो दस ये हो गए और तीन ये हो गए, इसकी संख्या तेरह। समझ गए घोष क्या है, ये वायु को धक्का देकर के बाहर निकालती है, झंकरियां पैदा होती है इसमें। अघोष क्या है, इसके उच्चारण में वायु आसानी से निकल जाती है, झंकरियां पैदा नहीं होती है, ठीक है, समझ गए ना। स्वर तंत्र के आधार पर वर्णों के भेद था ये। फ्रेंड्स अब हम पढ़ते हैं कि वर्णों के उच्चारण, वर्णों के उच्चारण स्थान को याद करने का ट्रिक, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, एकदम कंपलसरी है, एग्जामों में हमेशा आता है। अक विसर्ग कंठराम इचियस, इचियस भी है, तालुराम ट्रस से जानो मूर्धाजी लिरितस पहचानो दंत जी लिरितस पुकारो दंत जी, ठीक है, लिरितस पुकारो उप आते हैं ओष्ट में केवल व दंतोष्ट में नासिक से पंचमाक्षर जिह्वा रखो प्रकोष्ठ में, चलिए अब मैं आपको बताता हूं फ्रेंड्स, इसको याद करने का एक ट्रिक है। अकह विसर्ग कंठराम यानी इसका मतलब बताते हैं कि कंठ से जो उच्चारण होता है वो अकह विसर्ग, अकह में क्या कहेगा अ या का मतलब हो गया क से लेकर के अंग तक है ना, कवर्ग इसको बोलिए, और फिर ह और एक विसर्ग है ना, विसर्ग इतना का उच्चारण कहां से होगा, कंठ से,
ठीक ना, कंठ से इसका उच्चारण होगा। यह है ना दोनों या, यह और या, कह कह नहीं है, कवर्ग है ना, ह का मतलब ह, विसर्ग का मतलब विसर्ग, अकह विसर्ग कंठ राम, यानी अकह इसमें जितने भी आते हैं यह या क ख ग घ ङ ह और विसर्ग, ये कहां से उच्चारित होते हैं, तो कंठ से होते हैं, ठीक है। इचियस भी है तालु जी, इचियस मतलब ई, यानी हर्षई और दुर्गई चिया अंतसिया और तालविशा, इतने जो है वो कहां से उच्चारित होते हैं, तो तालु से उच्चारित होते हैं। लिटरस से जानो मूर्धा जी, यानी लिटरस यहाँ पर मूर्धा से उच्चारित होती है, ये तालु से, ये कंठ से, है ना। लिटरस में कौन कौन आएगा, री आएगा, ट मतलब पूरा टवर्ग आएगा, ट न तक, र आएगा, मूर्धन्य स आएगा, इस कहां से उच्चारित होता है ये, तो देखिए री आएगा, ट ठ ड ढ और न, ये हो गया टवर्ग, ट न हो गया, और फिर आपको है र, फिर है मूर्धन्य स, इतने जो है कहां से उच्चारित होते हैं, तो मूर्धा से। कभी कभी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन है, या फिर आपको पूछ देगा कि दंती सा कहां से उच्चारित किया जाता है, कंठ तालु मूर्धा, इस प्रकार से ऑप्शन देगा, तो ये एक तरह से ट्रिक है, इसका एक कहानी जैसा है, आप याद कर लीजिएगा। लिरितस, लिरितस पुकारो दंत जी, ये दंत से होता है लिरी, लिरी और त नहीं है, तवर्ग है ना, लिरी त थ द ध न, ये पूरा है, एक तरह से एक स है ना, दंत स, तो इतना जो है कहां से होता है इसका उच्चारित, तो दंत से होता है। उप आते हैं ओष्ट में, ओष्ट से क्या होता है, ऊ, हर्षहु ऊ और दुर्गहु ऊ, दोनों है सर, दोनों है इसमें, ऊ है तो हर्षहु और दुर्गहु, और प का मतलब हो गया प प ब भ म, ये सब कहां आते हैं, कहां से उच्चारित होते हैं, तो ओष्ट से उच्चारित होते हैं, केवल व दंतोष्ट में, दंतोष्ट से क्या उच्चारित होता है, तो केवल व है ना, दंतोष्ट से। ए ऐ कहे कंठ तालु, ए ऐ का उच्चारण कहां से होता है, कंठ तालु से होता है। ओ औ कहे कंठोष्ट में, कंठोष्ट से क्या उच्चारण होता था, ओ और औ। नासिक से पंचमाक्षर, नासिक से पंचमाक्षर, यानी नासिक जो नाक के, नाक के बदौलत जो बोला जाता है, नाक से, नाक पे प्रेशर देकर जो बात किया जाता है, जैसे अंग या नाक से आवाज निकलती है, तो उसको पंचमाक्षर कहते हैं, है ना। पंचमाक्षर जितने हैं, कौन कौन पंचमाक्षर है, जैसे अंग लास्ट वाले जितने भी हैं, इया ठ न है ना, न म, ये पंचमाक्षर है, तो ये सब जो है नासिक से होता है, नाक के, नाक से आवाज निकलता है उसमें। जिह्वा रखो प्रकोष्ठ में, तो ये था फ्रेंड्स आपको उच्चारित करने का एक ट्रिक था, ये आप याद कर लीजिएगा, तो मुझे विश्वास है कि उच्चारण करने वाला प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और फ्रेंड्स एकदम इम्पोर्टेंट है, हिंदी के अलावा जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है, आपको खोटा और पता नागपुरी और ये सब में भी इसको डाला जाता है, तो यहीं से आपको वर्ण से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, घोष अघोष अंतस्थ अल्पप्राण महाप्राण उष्म व्यंजन स्वर वर्ण, ये सब क्वेश्चन हमेशा रहते हैं, तो मैं कोशिश किया इसमें आपको पूरी तरह से बताने का, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं कुछ जल्दी बता रहा हूं आज लगता है, समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को एक दो बार देख लीजिए, आराम से समझ में आ जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।